नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस को लेकर आई हूं और आज आप सभी के बीच ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से महत्वपूर्ण पत्रों के प्रारूप से अवगत कराने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि यदि आप अपने कॉन्फिडेंस को और भी हाई करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का शासन आदेश आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य ही इस वेबसाइट पर जाइए और आप विभिन्न विभागों के शासनादेश को प्राप्त करिए। साथ में आप शासनादेशों को प्राप्त करने के क्रम में आप तमाम पत्रों के प्रारूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अवश्य एग्ज़ाम में उस प्रारूप के क्रम में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे देखते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे द्वारा गूगल के माध्यम से शासनादेश.up.gov.in सर्च किया गया, तत्क्रम में ये आपका साइट खुल गया। अब मुझे किसी भी विभाग से संबंधित शासनादेश को देखना है, ठीक। तो यहाँ पर विभिन्न विभागों के बारे में बताया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न विभागों के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ मैं क्लिक की विभाग पर तो आपके सारे विभाग यहाँ खुल गए, ठीक। तो यहाँ पर मैं कार्मिक विभाग को सर्च की, ठीक है। जैसे ही कार्मिक विभाग को सर्च की उसके बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के कार्मिक विभाग से संबंधित जो जियोज हैं वो आ गए, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23, रिट याचिका संख्या के संबंध में दिया गया, विभाग के कार्मिकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में, समूह के कार्मिकों का प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत पटल क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में और कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में, ठीक है। और आप सभी द्वारा कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में भी तमाम प्रश्न किए जाते हैं, तो क्यों नहीं इसी शासनादेश को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप शासनादेश को खोल दिया गया, ठीक है। जैसे ही साथियों आप शासनादेश को देखेंगे तो उस शासनादेश के विभिन्न सूचनाओं के साथ ही आप उस लेटर से संबंधित प्रारूप से भी अवगत हो जाते हैं। और साथियों, जो लेटर आपको लिखना है यदि ऑथेंटिक होता है तो निश्चित रूप से आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ये जो लेटर है तो ये सरकारी पत्र है और साथ में ये परिपत्र का भी रूप है। क्यों परिपत्र का रूप है? क्योंकि इसमें लिखा है सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी। अर्थात ये जो पत्र है ये परिपत्र का स्वरूप है जो कि शासकीय पत्र के रूप में लिखा गया है, ठीक है। कौन सा है? ये परिपत्र के रूप में जो ऑलरेडी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित सिलेबस है। तो साथियों, आप ओ लेवल के समकक्ष जो डिग्री है उसके संबंध में आप यहाँ पर सूचनाएं देख रहे हैं। विषय लिखा गया है कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में। तत्क्रम में आप देख रहे हैं ओ लेवल के समकक्ष जो भी तमाम डिग्रियां हैं उसके संबंध में यहां पर अवगत कराया गया। ऑलरेडी इसके संबंध में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण क्लासेस ओ लेवल के समकक्षता के संबंध में लिया जा चुका है। यहाँ पर बस मेरे द्वारा इस क्लास का लाए जाने का यही उद्देश्य है कि यदि आप चाहते हैं कि सरकारी पत्र और अन्य पत्रों के विभिन्न प्रारूपों से आप अवगत हो तो आप अवश्य इस साइट पे जाएं और विभिन्न प्रारूपों को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही इस वेबसाइट पे जाइए और यहां से विभिन्न पत्रों के प्रारूप को अवश्य देखिए ताकि आप सभी देख सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन कि क्या उत्तर होंगे, ठीक है। और पूरा आशा है कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा क्रमशः महत्वपूर्ण पत्र से संबंधित क्लासेस लाए जाएंगे। अवश्य इस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही आप आंसर लिखिएगा। निश्चित रूप से साथियों, आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।